राज्य यूनिवर्सिटी भरतपुर के द्वारा स्नातक स्तर की परीक्षाएं 15 मई से प्रारंभ की गई हैं, जिनके लिए तीन पारियों में परीक्षा संचालित है, जिसमें कस्बा वैर स्थित निजी कॉलेजों में यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। आसपास के क्षेत्रों से परीक्षार्थी वैर स्थित निजी कॉलेजों में परीक्षा देने आते हैं। निजी कॉलेज संचालकों के द्वारा अतिरिक्त शुल्क के रूप में परीक्षार्थियों से ₹100 की अवैध वसूली का प्रकरण सामने आया है। वैर स्थित निजी कॉलेज संचालक परीक्षार्थियों से अवैध रूप से ₹100 लिए जा रहे हैं। परीक्षार्थियों को अतिरिक्त ₹100 दिए जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। वहीं परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित करने के लिए धमकी दी जाती है, जबकि परीक्षार्थियों का कहना है कि सभी शुल्क परीक्षा से पहले ही स्थानीय कॉलेज में जमा करा दिए गए हैं। आज बीए फाइनल का भूगोल का पेपर है सेकंड, जो हम बच्चियों को यहाँ छोड़ने आए हैं, तो बच्चियों ने हमें अवगत कराया कि हमसे ₹100 लिए जा रहे हैं, जबकि एग्जाम सेंटर यूनिवर्सिटी भरतपुर ने यहाँ सुना है आरआर कॉलेज, तो हमारा कोई डूबा गया नहीं है। और जब मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की इस संबंध में, तो उन्होंने बताया कि एडिशनल शुल्क है, तो एडिशनल शुल्क के बारे में उन्होंने बताया कि हम मटके लाए पानी के लिए। अब आप बताइए, 1.5 घंटे में बच्ची पेपर देंगी या पानी पीएंगी? तो इसलिए मेरी प्रशासन से ये निवेदन है, कृपया करके इस अवैध वसूली को रुकवाया जाए, और ₹100 ना देने के एवज में वो धमकी भी दे रहे हैं कि हम पेपर से आउट कर देंगे छात्राओं को। तो इसलिए मेरी प्रशासन से ये निवेदन है बार बार कि छात्राओं को बेफजूल पैसे के लिए बाध्य किया जा रहा है, तो इसलिए इसको रोका जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।